नमस्कार मैं राजमणि पाल असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में सविस्तार चर्चा कर चुके हैं कि बौद्धिक क्षमता क्या होती है जिसमें हमने ये जाना था कि बौद्धिक क्षमता एक ऐसी अक्षमता है जिसमें बालक की बौद्धिक क्षमता एवं उसका अनुकूलन व्यवहार प्रभावित होता है यह विकलांगता जो है अठारह साल के पहले होती है इसमें मुख्य रूप से माना जाता है कि इस प्रकार के बालकों का बुद्धिलब्धि सत्तर से कम होती है यानी इनका आई क्यू लेवल सेवेंटी बिलो होता है जैसा कि आज हम लोग सविस्तार चर्चा करेंगे इसके कारण और बचाव पे तो हम लोग जो है इसके कारण और बचाव के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि जो बौद्धिक अक्षमता होती है इसको क्या क्या करने की ज़रूरत है किन किन सावधानियों की ज़रूरत है जिससे हम बौद्धिक अक्षमता से और उसके कारण मतलब उसको सुरक्षित रख सकते हैं या बौद्धिक अक्षमता से इसके बचाव को कर सकते हैं तो चलिए हम सविस्तार इसके बारे में जानते हैं पी, -पी के माध्यम से जिसमें हम जो है जानेंगे कि कौन कौन से वो कारण है जिसके कारण से बालक बौद्धिक अक्षम हो सकता है और क्या क्या उसके उपाय किए जा सकते हैं सावधानी बरती जा सकती है कि जिससे हम बौद्धिक अक्षम बालक ना हो या उसके रख रखाव की ऐसी कोई क्या व्यवस्था कर दी जाए कि जिससे वो सुचारू रूप से अपने जीवन को सुगम बनाते हुए सर्वाइव कर सकें यह पेपर हमारे बी एड शिक्षा के बौद्धिक अक्षमता वाले एरिए से बी एड एस सी नाइन्टी वन के ब्लॉक वन यूनिट टू से संबंध रखता है और इसमें हम देखते हैं कि इसके बौद्धिक अक्षमता के कारण और इसके बचाव के बारे में बातें रखी गई हैं जिसपे हम सब विस्तार चर्चा करेंगे इसमें आगे देखते हैं कि अगर जो बौद्धिक अक्षम बालक होता है उसमें जो मुख्य रूप से उसकी जो समस्याएं आती है ये जो ब्रेन का एरिया हमारा मस्तिष्क होता है इसी में ही किसी प्रकार से किसी कारण से कोई भी अब नॉर्मलिटी आती है जिसके कारण से बच्चा बौद्धिक अक्षम हो सकता है इसमें आगे देखते हैं कि अगर हम बौद्धिक अक्षमता को के स्वरूप को समझने का प्रयास करें इसकी स्थिति को देखें तो इसके पहले हमें समझना होगा कि बौद्धिक अक्षमता का फैलाव कितना है इसकी स्थिति क्या है और विकलांगता की अपेक्षा तो बौद्धिक अक्षमता को अगर देखा जाए तो यह एक विकासात्मक विकलांगता का कि एक सामान्यता पाई जाने वाली बौद्धिक अक्षमता है और अगर इसके सर्वे की रिपोर्ट की देखी जाए कि इसका फैलाव कितना है कितने रेशियो में जो है डिसेबल्ड बच्चे हैं बौद्धिक अक्षमता से संबंधित तो इसमें जो हमारा आइडिया इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट के अनुसार जो है लगभग 6.5 पॉइंट बिलियन पीपल जो है यूनाइटेड स्टेट्स में जो है बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित हैं नेशनल स्टेटिक्स ऑफिस सेंसस के अनुसार जो है फिलीपींस में ओवरऑल जितनी भी प्रकार की विकलांगता पाई जाती है उसमें सेवन पॉइंट ज़ीरो टू परसेंट जो है बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बालक होते हैं तो अगर हम इस चीज़ को भारत के सिनेरियो में देखें तो चूंकि अगर भारत में गरीबी स्तर के लोगों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे मॉल न्यूट्रिशन लोगों की संख्या ज़्यादा है आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो कहीं ना कहीं मुख्य व्यवस्थाओं से वंचित रहते हैं तो यहाँ पे तो विकलांगता की स्थिति बहुत ही ज़्यादा इन देशों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए अया दिख, दिख, दिखती भी है तो हमें यहाँ पर विशेष रूप से देखने की जरूरत होती है कि इनमें क्या क्या करने की ज़रूरत है इसके कौन कौन से कारण हैं कि अगर विकलांगता की स्थिति यहाँ बहुत ज़्यादा है तो उसके बचाव के लिए कैसे करने की क्या क्या करने की ज़रूरत होती है तो इसको विस्तार हम अगर देखते हैं तो अगर हम इसके बौद्धिक अक्षमता के कारण और इसके वर्गीकरण को विस्तार जानने का प्रयास करें तो हम इसको तीन वर्गों में बांट करके देखते हैं प्री नेटल काजेज पेरीनेटल काजेज एंड पोस्ट नेटल कागज यानी जन्म के पहले के कारण जन्म के समय के कारण और जन्म के बाद के कारण अब जन्म के पहले के जो कारण आते हैं क्रोमोजोल डिसऑर्डर इनबॉर्न इनर ऑफ मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन फार्मेशन इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस यानी गुणसूत्रीय विकार जन्म के पहले के बच्चा जब पेट में पल रहा होता है तो उस समय के जो जोजचाई समस्याएं होती हैं उनके कारण और ब्रेन का पूर्ण रूपेण विकसित ना हो पाना और वातावरणीय प्रभाव पेरीनेटल में जन्म के समय अनॉक्सिया लो बर्थ वेट सिफलिस एंड हर्पिस सिंप्लेक्स पोस्टनेटल में बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चाइल्ड एब्यूज एंड निगलेक्ट ये सब बेसिक कारण होते हैं जिसके कारण से बच्चा जो है डिसेबल्ड हो सकता है अब इसके एक एक बिंदु को अगर हम सबिस्तार चर्चा करें तो देखते हैं कि प्री में पहला जो कारण आता है क्रोमोजोमल स्टार्डर गुणसूत्रीय विकार में गुणसूत्रीय विकार में एक समस्या आती है कार्नेलिया डे लेंज सिंड्रोम जिसमें जो है देखा जाता है कि यह एक ऐसी समस्या है जो जन्मजात होती है इसमें बालक जो है जन्मजात बौद्धिक अक्षम हो सकता है और इसमें जो मुख्य लक्षण इसके दिखाई देते हैं इसमें दिक्कतें जो होती हैं उसका हार्ट जो है डिफेक्टेड होता है उसमें सुनने की क्षमता प्रभावित होती है और उसके जो हाथों की उंगलियों का स्ट्रक्चर होता है और और हाथ के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एक सामान्य रूप से नहीं होते हैं एक बदले हुए रूप में या जैसे कि पिक्चर से आपको स्पष्ट हो रहा है कि छोटी छोटी उंगुलियाँ हैं हाथ की स्थिति एक नॉर्मल जैसी नहीं दिख रही है और इन बच्चों में जो है मुख्य रूप से जो है अपने आप को नुकसान करने वाला व्यवहार करते हैं अपने आप को बाल अपने आप को बालों को नोचना मुख को नोचना ऐसे तमाम प्रकार के लक्षण में कॉमनली देखे जाते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम भी होता है जिसमें जो है उसको किसी चीज़ को मिलाना हो पीना हो जिसे मतलब अपने आप को अपने सेंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता जैसे किसी, किसी खाना वगैरह खाना हो पानी वगैरह पीना हो तो उसको सही से सक नहीं कर पाता उसके जो शारीरिक वेट होती है वो बहुत कम होती है ग्रोथ मतलब जैसे एक सामान्य रूप से जैसे उसका विकास होना चाहिए वो चीज़ें नहीं दिखती हैं और उसके जो से, से, चेहरे का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सामान्य जैसा नहीं होता है जैसा कि पिक्चर से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं उसका जो एक चेहरे का जो स्ट्रक्चर है वो सामान्य से भिन्न दिख रहा है हाइपर एक्टिव अग्रेसिव रिपीटेटिव मूवमेंट ये तमाम प्रकार के ऐसे लक्षण होते हैं जो कि वो बातों बातों में किसी बातों में हाइपर एक्टिव हो जाना बात बात में गुस्सा करना और एक ही क्रिया को बार बार रिपीट करने की इसमें क्वालिटी पाई जाती है अन्य गुणसूत्रीय विकार में आता है डाउन सिंड्रोम ट्वेंटी थर्ड गुणसूत्र होते हैं उसमें से जो ट्वेंटी वन पेयर्स होता है उसमें किसी कारण से जो है विकृति आ जाती है या वो ट्राइजोमी हो जाते हैं जिसके कारण से डाउन सिंड्रोम की समस्या होती है यूजली नॉट इन इनहेरिटेड यह एक समस्या जो है वो जन्मजात वांशिक नहीं होती है Disease, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रोमोजोम वाले और मुख्य रूप से जो है एक सामान्य रूप से गुणसूत्रीय विकार में यह समस्या पाई जाती है लक्षण दिखते हैं इस इनवॉल्स नॉर्मली एट ट्वेंटी फर्स्ट सेट ऑफ क्रोमोजोम्स जिसमें ट्वेंटी वन का जो पेयर होता है उसमें सामान्य स्थिति नहीं होती है और पीपल विथ डीएसडाउंस डाउन सिंड्रोम एग्जिबिट अनयल फेशियल एक्सप्रेस फीचर एंड विथ ब्रॉड हैंड एंड शॉर्ट फिंगर इसमें सिंपल सा दिखता है जो सामान्य रूप से लक्षण इनके दिखाई देते हैं इनके हाथों का चौड़ा होना छोटी छोटी उंगलियाँ चेहरे का जो है एक सामान्य रूप जैसा ना होना ये तमाम मुख्य रूप से लक्षण इनमें दिखाई देते हैं नेक्स्ट कारण आता है विली सिंड्रोम एक बच्चे को जो है उसके पिताजी से एक आनुवांशिक रूप से ये बच्चों में ट्रांसफ़र होता रहता है और इस टाइप के जो बच्चे होते हैं ये बहुत लेजी आलसी आलिस टाइप के रहते हैं बहुत इनएक्टिव होते हैं इनको खाने पीने में बहुत दिक्कतें आती हैं और ये लोग जब किसी वस्तु को खाने वगैरह की चीज़ों को देखते हैं तो इनको एक अजीब टाइप की फीलिंग होती है एक अलग ही अब इमेजिन करते रहते हैं बच्चों में मुख्य रूप से जो है ओबेसिटी की समस्या दिखाई देती है और ये जो है इस टाइप के प्रेडर बिल सिंड्रोम वाले बच्चे जो है शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं इनमें हार्ट डिफेक्ट किडनी में प्रॉब्लम स्क्लोरियोसिस यानी इनके स्पाइनल कार्ड की समस्याएं का टेढ़ी होना इत्यादि प्रकार की सामान्य समस्याएं दिखाई देती हैं टर्नर सिंड्रोम आता है जिसमें जो है यह समस्या मुख्य रूप से महिलाओं में पाई जाती है और टर्नर सिंड्रोम कारण जो है उनके जो नेक होते हैं उसमें वेबलिंग दिखाई देती है फित आकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है पफिंग आर स्वेलिंग इन हैंड में उसको स्वेलिंग टाइप की चीज़ें दिखाई देती है जैसा पिक्चर से स्पष्ट हो रहा है और इन लोगों में जो है उसके साथ समझ समस्याएँ जुड़ी होती है वो हार्ट डिफेक्ट किडनी प्रॉब्लम ये मुख्य रूप से समस्या उनमें विद्यमान होती हैं नेक्स्ट गुणसूत्रीय विकार में आता है विलियम सिंड्रोम मुख्य रूप से इसका जो सातवां पेयर होता है गुणसूत्र का जो ट्वेंटी थर्ड पेयर्स टोटल होते हैं उसमें जो सातवां पेयर्स होता है उनमें कोई अब जब आ जाती है तो ये चीज़ें विलियम सिंड्रोम की समस्या दिखाई देती है विलियम सिंड्रोम हार्ट डिफेक्ट इसमें जो है उनके का हार्ट नॉर्मल नहीं होता है इनका जो है इल्फिन फेसियल फीचर चेहरा जो है छोटा होता है या बदला हुआ नज़र आता है जैसा कि पिक्चर से आपको दिख रहा है देयर अनयूजअल सेंसिटिविटी टू साउंड मेक देम कंपिटेंट इन म्यूजिक एंड लैंग्वेज डिस्पाइड ऑफ देयर लो आई क्यू लेवल इनका आई क्यू लेवल जो है पुअर होने के बाद भी जो है ये संगीत और भाषा में इनका काफ़ी हद तक स्थिति इनकी नॉर्मल जैसी होती है फ्रगैल सिंड्रोम जो कि यह समस्या जो है सामान्य समस्या है जो बौद्धिक अक्षम बालकों में जो है ये मुख्य रूप से दिखाई देता है यह एक अनुवांशिक कारण है जिसके कारण सेक्स एक्सप्रोगल सिंड्रोम में जो है बच्चे बौद्धिक अक्षम होते ही हैं इसमें जो है जो हमारा लास्ट का ट्वेंटी थर्ड पेयर जो होते हैं उसमें जो ट्वेंटी थर्ड पेयर्स होता है उनमें एबनॉर्मिलिटी के कारण जो है एक्स एक्सप्रोगा सिंड्रोम के लक्षण पाए जाते हैं और यह जो है बहुत महिलाओं में बहुत कम देखने को मिलता है मुख्य रूप से यह पुरुषों में ही ये समस्या पाई जाती है इस प्रकार के लोगों में व्यवहारिक और भावात्मक समस्याएं बहुत ज़बरदस्त होती हैं या इनमें ज़्यादा समस्या पाई जाती है या सामाजिकता का अभाव होता है इनमें जो है एनेजाइसी की स्थिति पाई जाती है यानी कि अगर कोई भी चीज़ जो कर रहे हैं इनमें थोड़ा सा भी अगर चेंज किया जाए किसी तो उसमें जो है अपने आप को कम्फर्ट फील नहीं करते हैं इनका चेहरे का जो स्ट्रक्चर होता है वो सामान्य से हट के होता है इसी प्रकार से जन्म के पहले के अन् भी जो कारण बनते हैं इनबॉर्न इर ऑफ मेटाबॉलिज्म जन्म के पहले जब बच्चा पेट में पल रहा होता है तो जो उसका उपापचयी स्थिति होती है वह भी उसके बौद्धिक अक्षम होने के कारणों के रूप में परिलक्षित होती है जैसे कि गैलेक्टोसीमिया जिसमें गैलेक्टोसीमिया में देखते हैं कि जो शुगर गैलेक्टोज होता है उसका प्रॉपरली जो है बॉडी जो है यूज़ नहीं कर पाती है या उसका उपापचय बहुत सामान्य नहीं होता है हंटर सिंड्रोम अब इसमें जैसे डिफेक्टिव ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल म्यूकोपोलीसाइक्राइड्स इत्यादि की ये समस्याएं जो दिखती हैं जिसके कारण से जो है बालक का उपापचय सही नहीं हो पाता है इन म्यूकोपोलीसाइक्राइड्स जैसे उसका तो जिसके कारण से उसके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है और बालक जो है बौद्धिक अक्षम हो सकता है फिनाइल की यूरिया इसमें जो है फेनीला जो को जो है तो इसमें चेंज होना होता है टायरो सीन में जो कि अगर इसमें इसकी स्थिति प्रभावित अगर प्रॉपरली एक चेंज नहीं होगा तो जो है बालक के ब्रेन पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा और जो है वो ब्रेन में उसका इसका फेलेनिन एकमुलेट होगा और जिसके कारण से बालक की जो बौद्धिक स्थिति है वो प्रभावित होने के चांस बढ़ जाते हैं टी सच डिजीज अपसेंस एक्स एनजाइम अब इसमें जो है अगर टी एस एच जैसी बीमारियां होती हैं ये जो है किसी कारण से अगर हैक्स ये एग्जाइम एबसेंट है या प्रॉपरली उसका डाइजेशन नहीं हो रहा है तो जो है लिपिड जो है हमारे उसमें मस्तिष्क एरिया में एक्यूमुलेट होने लगता है जिसके उसका कारण जो है बच्चा डिसेबल्ड या बौद्धिक अक्षम हो सकता है तो ये छोटे छोटे कारण हैं जिसमें अगर उपापचय सही से इंटरनल ना हो तो भी बालक जो है इन तमाम कारणों से जो है बौद्धिक अक्षम स्थिति में जा सकता है अन्य कारणों में आता है कि बालक जो है माँ के पेट में पल रहा हो तो और कौन कौन सी समस्याएं के कारण जो है बौद्धिक अक्षम हो सकता है तो उसमें अगर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन फॉर्मेशन जब उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है उस कारण से कोई ऐसी विकासात्मक बाधाएं हाँ आ जाए जिसके कारण से जो है बालक का के मस्तिष्क का विकास ना हो पाए तो उसके कारण भी वो बौद्धिक अक्षम हो सकता है जिसमें पहला आता है माइक्रोसीफेलस जिसमें से जो है कि उसके जो आपको स्ट्रक्चर से भी दिख रहा है कि किसी भी कारण से अगर उसके जो सर का स्ट्रक्चर है वो छोटा रह जाए इस कैटेगरी के बच्चे जो होते हैं वो बौद्धिक अक्षम सीवियर टू प्रोफामड एकदम मतलब गंभीरता वाली स्थिति के बच्चे होते हैं और यह जो है नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लो ऐसे बच्चों की सरवाइविंग लंबे समय तक नहीं होती है और इनका स्ट्रक्चर ब्रेन का जो सर का आपको इस पिक्चर से दिख रहा है कि स्ट्रक्चर बहुत छोटा है तो जिसके कारण से जो है ये उनके ब्रेन का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है वो तमाम एरियाएँ संकुचित में ही रह जाते हैं जहाँ से उनके ब्रेन का पूरा सब विस्तार विस्तार होना चाहिए वो पूर्ण रूपण नहीं होता है इस टर्म को हम लोग माइक्रोसिफेलस के टर्म के रूप में यूज़ करते हैं जिसके और इसके कारण से बच्चा डिसेबल्ड बौद्धिक अक्षम हो सकता है नेक्स्ट आता है हाइड्रोसिफेलस जैसा कि आपको पिक्चर से ही दिख रहा है कि, कि किसी कारण से उसके मस्तिष्क में फ्लूड का भर जाना मस्तिष्क के एरिए में इंटरनल या ब्रेन के बाहरी एरिया में किसी भी कारण से फ्लीट का भर जाना अब ये डिपेंड करता है कि अगर ये समस्या आती है तो इसको ट्रीट भी किया जा सकता है लेकिन जल्दी से जल्दी ज़रूरत है कि इसको डायग्नोट कर लिया जाए और इसके हिसाब से उसकी समस्या का समाधान कर दिया जाए अगर ये दिक्कत कंटिन्यू बनी रहती है तो बच्चा जो है बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित हो सकता है नेक्स्ट आता है और भी कारण जो कि कौन कौन से और कारण है कि जो बच्चा जब जन्म के पहले के कारण है तो उसमें एक कारण आता है वातावरणीय प्रभाव जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी कारण से जब मदर जो है का जो पोषक जो प्रॉपरली बे में मिलना चाहिए वो किसी कारण से अगर नहीं मिलता है वह भी एक कारण बनता है और अगर मदर जो है किसी कारण किसी इन्फेक्शन से या किसी संक्रमण से सफर कर रही हैं तो वह भी एक कारण उसके बौद्धिक अक्षम होने का बन सकता है उनके जो है अल्कोहल के लक्षण अगर उनमें विद्यमान है या अल्कोहलिक हैं ले रही हैं बीच बीच में और सही से जो एक्सपोजर होना चाहिए बच्चे के रख रखाव की सारी व्यवस्थाओं की वो जो प्रॉपरली अगर नहीं होता है तो उसके कारण से भी जो है बच्चा का प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगा और उसके कारण से भी बच्चा जो है बौद्धिक अक्षम हो सकता है एल्यूसिड ड्रग्स एक्सपोजर मतलब गलत दवाओं का लेना जो कि जो प्रॉपरली उन्हें लेना चाहिए सही से जो है दवाओं की जो लेने की स्थिति है उसका सही से आकलन ना कर पाना गलत दवाओं का यूज़ करना ये तमाम कारण जो है बौद्धिक अक्षमता के कारण बन सकते हैं एक्सपोजर टू रेडिएशन रेडिएशन से भी बचना चाहिए क्योंकि बच्चे का जो ग्रोथ होता है तो उस वो बहुत सेंसिटिव होता है और किसी कारण से जो है अगर उसके ऊपर रेज पड़ती है तो रेज का असर सबसे ज़्यादा उसके मस्तिष्क पे पड़ सकता है और मस्तिष्क पे अगर उसकी रेजेज या जैसे कभी आप कभी डॉक्टर के पास जाएँ तो देखते हैं प्रेगनेंट लेडीज़ का मदर का जो है एक्स रेज वगैरह नहीं निकाले जाते उसका यही सब कारण है कि चूंकि अगर बच्चे पे उसका रेजेज के पड़ते हैं तो उसके ब्रेन पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है जिसके कारण से वो बच्चा डिसेबल्ड या बौद्धिक अक्षम हो सकता है रूबेला जर्मल मिजल्स वगैरह भी इसके कारण हो सकते हैं कि अगर मदर लंबे समय तक सफ़र कर रही हैं तो भी बालक का जो है प्रॉपरली विकास नहीं हो पाएगा और बच्चा जो है बौद्धिक अक्षम हो सकता है तमाम प्रकार के ऐसे और भी कारण हो सकते हैं कि किसी कारण से मदर को चोट लग जाना प्रॉपरली देखभाल ना करना प्रॉपर्ली मेडिसिन तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि उस मदर को एक ध्यान रखना चाहिए प्रॉपरली डॉक्टर से सजेशन लेते हुए सारी चीज़ें करनी चाहिए अब हम देखते हैं कि जन्म के समय के कौन कौन से कारण हैं कि जिसके कारण से बच्चा जो है डिसेबल्ड हो सकता है बौद्धिक अक्षम तो उसमें आता है सबसे पहला एनॉक्सिया डिप्रिविशन ऑफ ऑक्सीजन किसी भी कारण से जो कि बच्चा जब पे, माँ के पेट में पल रहा होता है तो उसको उसको ऑक्सीजन जो है माँ के पेट से माँ के द्वारा मिलता रहता है लेकिन जैसे ही वो इन्वायरमेंट में आता है तो उसको स्वयं से ऑक्सीजन लेने की जरूरत होती है और उसके लंग्स को एक्टिव होने की जरूरत होती है और उसको स्वयं का ऑक्सीजन चाहिए होता है लेकिन किसी कारण से अगर प्रॉपरली ऑक्सीजन ना मिल पाए तो भी जो है बालक के मस्तिष्क की कोशिकाओं में बदलाव आ सकता है और इसके कारण से बच्चा जो है डिसेबल्ड या बौद्धिक अक्षम हो सकता है उसका वजन प्रॉपरली ना होना या, या कह सकते हैं कि उसका प्रॉपर ग्रोथ ना हुआ हो तो भी कारण बन सकते हैं सिप्लिस हर्पिस सिम्प्लेक्स जैसी तमाम प्रकार के इन्फेक्शन की समस्याएं जो है उसके बौद्धिक अक्षम के कारण हो सकती हैं या बहुत कहते हैं कि अनएक्सपेक्टाइज जो है अनएपर्ट के द्वारा डिलीवरी की जाए या किसी कारण से उसके मस्तिष्क में चोट लग जाए या ब्रेन एरिया में का कोई एरिया जो है रेप्चर हो जाए इंजरीज हो जाए तो ये तो तमाम कारण लेट बर्थ जन्म लेने में उसके अगर डिले हो जाए बच्चा देर से रोता है तो ये तमाम ऐसे कारण बनते हैं जिसके कारण से जो है या अन इंस्ट्रूमेंट इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाए तो ये तब तमाम कारण बनते हैं कि जन्म के समय सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिसके कारण से बच्चे को जो है बौद्धिक अक्षमता के कारण चांस बन सकते हैं अब हम आते हैं चर्चा करते हैं कि जन्म के बाद के कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण से बच्चा जो है बौद्धिक अक्षम हो सकता है तो उसमें वातावरणीय और मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं जिसके कारण से बालक बौद्धिक अक्षम हो सकता है उसमें से इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम बच्चे का जो है सही से पोषक तत्वों का ना मिलना क्योंकि हमारे शरीर के विकास के लिए अनेक प्रकार के मिनरल्स पोषक तत्व है तो विटामिन प्रोटीन्स इत्यादि प्रकार की वस्तुओं की ज़रूरत होती है आयरन कार्बोहाइड्रेट्स लेकिन अब इनमें अगर बैलेंस मात्रा में जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलेंगी तो जिसको जो जिस हमारे आर्गन को जो चीज़ चाहिए वो प्रॉपरली नहीं मिलेगी तो वो उसका विकास नहीं हो पाएगा तो जिसके कारण से बालक जो है बौद्धिक अक्षम या डिसेबल्ड हो सकता है एडवर्स लिविंग कंडीशन जो जिस बा एक वातावरण रहने का जो कंडीशन होता है वह भी एक मतलब काफी हमारे विकास पे प्रभाव डालता है तो अगर उसके रहने की स्थिति विपरीत होगी तो उसके कारण से भी बच्चा जो है डिसेबल्ड या बौद्धिक अक्षम हो सकता है एडिक्यूएट हेल्थ केयर अगर प्रॉपरली अपने शरीर की देखभाल ना की जाए उसके स्वास्थ्य की प्रॉपर चेकअप ना की जाए देखभाल ना की जाए तो वह भी कारण जो है बौद्धिक अक्षमता का बन सकता है तो उसको मोटिवेट ना करना उसके संज्ञानात्मक उसके ज्ञान को बढ़ावा ना देना जैसे चीज़ें बहुत सी सक्षमता होती है लेकिन अगर उसको ज्ञान ना उसका उपयोग करना ना सिखाया जाए उसको प्रेरित ना किया जाए तो भी जो है उसका उपयोग करने में सक्षम होने के बाद भी वो अक्षम रह जाता है तो वह भी एक कारण अगर धीरे धीरे उसका उपयोग ना करने का मौका दिया जाए एकदम इनएक्टिव छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे वह भी जो है सक्षम होते हुए भी वो बौद्धिक अक्षमता के श्रेणी की लाइफ जीने के लिए विवश होता है तीन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए चाइल्ड एब्यूज एंड निगलेट अगर हम बच्चे को जो है किसी को नज़रअंदाज आप कर देंगे उसको उस वातावरण में ऐसे एटमॉस्फेयर नहीं देंगे जिससे वो अपने आप को प्लीजेंट रख सकता है हमेशा उसको प्रेशर में रखना निगलिडिजेंस करना तो धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है अपने आप को उपयोग करना बंद कर देता है तो अभी एक कारण बनता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी किसी भी कारण से उसके ब्रेन में मस्तिष्क में चोट लग जाए तो वह भी एक कारण बौद्धिक अक्षमता का बन सकता है लंबे समय तक बुखार हो जाए मस्तिष्क के एरिए में किसी कारण से वो जो है नुकसानदायक चीज़ें खा ले जिसका इफेक्ट उसके ब्रेन पे पड़े तो ये तमाम कारण हैं ऐसे जिसके कारण से वो बौद्धिक रूप से अक्षम हो सकता है बस ये देख और ये बौद्धिक अक्षमता ये समस्याएं जो भी हैं वो 18 साल के पहले अगर परिलक्षित होती हैं तो वो बौद्धिक अक्षमता के श्रेणी में आ सकता है क्योंकि हमारे ब्रेन का जो विकास है मस्तिष्क का वो अठारह साल तक कंटिन्यू होता रहता है अठारह साल तक मान लिया जाता है उसके बाद कि इसकी मस्तिष्क का लगभग लगभग विकास हो चुका है अगर अब इसके हम अगर ये, ये कारण है इसके कि बौद्धिक अक्षमता के तमाम हमने कारण देखा कि प्रे नेटल निटल पोस्ट नेटल में जन्म के पहले जन्म के समय और जन्म के बाद के तमाम कारण हैं तो इन इन कारणों से अगर कैसे बचा जाए और इसके लिए क्या क्या उपाय करने की ज़रूरत है इसके बचाव के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है तो हम आइए उन प्रिवेंशन में उसको देखते हैं कि क्या क्या करने की ज़रूरत है तो जिसमें देखते हैं कि चूंकि प्रिवेंशन जो है वो तीन प्रकार का होता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी जिसमें प्राइमरी प्रिवेंशन में जो वो प्रिवेंशन होता है या वो बचाव होता है कि जिसके कारण से हमने पिछले उसमें देखा कि कौन कौन से कारण है जिसके कारण से बच्चा डिसेबल्ड या बौद्धिक अक्षम हो सकता है उन कारणों की खोज करके ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि डिसेबल्ड कोई बौद्धिक अक्षम हो ही ना जिस जिस कारण से हो रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि जिस कारण से पिछले हमने देखा कि क्या क्या समस्याएं हैं तो उसके आधार पे उन चीज़ों का बचाव कर दिया जाए ऐसी स्थिति फॉर्म कर दी जाए कि कोई भी डिसेबल्ड या बौद्धिक अक्षम हो ही ना तो जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रॉपरली किए जाएँ स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में प्रॉपरली गाइड किया जाए किसी चोट लगने से बचाया जाए उसको किसी प्रकार की कोई इंजरी ना होने पाए जन्म के समय उसकी प्रॉपरली देखभाल की जाए जन्म के पहले और जन्म के दोनों की स्थितियों में जो है ऐसी व्यवस्था रख बनाई जाए कि जिस जिस कारण से डिसेबिलिटी होने के चांस है बौद्धिक अक्षमता के चांस हो सकते हैं उन चीजों से बचा जाए और प्रॉपरली जेनेटिक काउंसलिंग की जाए कि अगर माँ बाप की वो देखा जाए कि किसी में ये इस टाइप के लक्षण हैं तो नहीं अगर हैं तो उस पर सावधानी बरतने की जरूरत है उनके प्रिकॉशन लेने की जरूरत है चूंकि बहुत सी ऐसी हमने देखा उसमें कारणों में कि उसके आनुबंशिक रूप से जो है एक मदर फादर से जो है वो बीमारियाँ आती रहती हैं या वो समस्याएँ आती रहती हैं तो उनकी भी आइडेंटिफाई करते हुए उसकी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है नुकसानदायक चीज़ों से लेने से जहरीली वस्तुओं को खाने से या नुकसानदायक दवाओं के लेने से भी बचना चाहिए कि जैसा हमने पिछले उसमें देखा कि कौन कौन बहुत से कारण ऐसे हैं बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिससे जो है बालक डिसेबल्ड हो, हो सकता है तो उन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है तो प्राइमरी प्रिवेंशन ये कहता है कि जिस कारण से डिसेबिलिटी या बौद्धिक अक्षमता हो रही है उस कारण को ही समाप्त कर दिया जाए या उस ऐसी व्यवस्था बना दिया जाए कि कोई बच्चा डिसेबल्ड हो ही ना तो इस पर हम सावधानी बरतते हैं कि उन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि जिसके कारण से डिसेबिलिटी की ये स्थिति ही समाप्त हो जाए दूसरा आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन द्वितीय बचाव जिसमें से अगर किसी कारण से उसमें लक्षण विद्यमान हो गए या वो रिस्क जोन में चलाए गए कि शायद इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है तो इसमें हम सेकेंडरी में क्या क्या कर सकते हैं कि वहाँ तो पहले प्राइमरी में बचाया कि हो ही ना अब यहाँ तो लग रहा है कि संभावना होने की है अब इसे कैसे बचा जाए तो ये प्राइमरी स्टेज में होता है यहाँ पे हम ट्रीटमेंट या उसकी समस्या के समाधान में, में करते हुए इसको हम बचा सकते हैं सेफ जोन में ले जा सकते हैं तो इसमें क्या क्या करने की ज़रूरत होती है उसकी स्थिति को डिटेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि शायद इसमें ये पॉसिबिलिटी हो तो उसके लिए जो भी समस्याएँ हैं तो उसके समाधान के लिए पहले से हम तैयार हो जाए प्रॉपरली जो है उसकी जांच पड़ताल करवाएं उसकी खोजबीन करवाएं कि किस कारण से हो सकता है उनके बारे में जानने का प्रयास करें और चूँकि जैसे हमने देखा डायटरी रिस्ट्रिक्शन इन मेटाबॉलिक डिजीज़ मतलब उन चीज़ों से बचा जाए जिसके कारण से जो है डिसेबिलिटी होने के चांस हो सकते हैं बौद्धिक अक्षमता के कारण जैसे हमने देखा था तो बहुत से मेटाबॉलिक कारण थे जिसके कारण से बच्चा डिसेबल्ड हो सकता था तो उसके उसमें रूटीन में बदलाव लाए जाएं और उन चीज़ों से उसको बचाया जाए जिसके कारण से कि उसमें जो अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है दिख रही दिक्कत तो उसको तुरंत ठीक करने का प्रयास किया जाए थायराइड हार्मोन्स रिप्लेसमेंट अगर उसमें हार्मोन से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो उसमें बदलाव लाए जाए उसको प्रॉपरली देखभाल की जाए कि जिससे उन समस्याओं से बचा जा सके ट्रीटमेंट ऑफ एसोसिएटेड कंडीशन इंक्लूडिंग विजन आर हियरिंग इम्पेयरमेंट सीजर एंड अदर कोमॉरबेटिव मेडिकल डिसऑर्डर कि मतलब उन समस्याओं के इलाज के लिए तुरंत अपने आप को तैयार रखा जाए या उसकी व्यवस्था बनाई जाए कि जैसे अगर देखने की समस्या हो सकती है सुनने की समस्या हो सकती है उसको झटके आते हैं या बीमारियों के और कोई लक्षण उसमें लग रहा हो कि हो सकता है तो उनको तुरंत एज पॉसिबल जो ठीक किया जा सकता है उसको तुरंत ठीक करने का प्रयास किया जाए तो ये चीज़ें हम सेकेंडरी में देखते हैं कि मतलब यहाँ उसके प्रॉब्बिलिटी हो सकती है ये संभावना व्यक्त की जाती है कि शायद इसमें बौद्धिक अक्षमता आ सकती है तो इससे कैसे जो है बचा जाए या यहाँ इसका ट्रीटमेंट क्या व्यवस्थाएं बनाई जाए जिससे वो बौद्धिक अक्षम ना हो अब टर्सरी स्टेज में हम देखते हैं कि अब ये तृतीय बचाओ कि यहाँ पे अब वो बौद्धिक अक्षम हो चुका है जैसे होता है ना कि जैसे प्राइमरी में हमने देखा कि हो ही ना सेकेंडरी में देखा कि कुछ संभावनाएं हैं कि हो सकता है वो बौद्धिक अक्षम हो जाए हो रहा हो सकता है उसकी संभावना दिख रही है तो उसके इलाज के लिए क्या क्या चीजें कर दी जाएं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो हो सकता है वो डिसेबल्ड हो जाए तो उसको तुरंत ठीक किया जाए तो उनमें कारण लगा के दिखा कि हो सकता है संभावना के आधार पर हमने उसका इलाज किया उसका समाधान यहाँ पे बालक देखते हैं तीसरी स्टेज में जब बौद्धिक अक्षम हो गया तो वहाँ क्या हम करने की ज़रूरत है क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है इस पर हम फोकस करते हैं अब इसमें जो है अब इसके लिए अगर वो डिसेबल्ड हो गया है बौद्धिक अक्षमता की श्रेणी में बच्चा आ चुका है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें वो ऐसे रिसोर्सेज उसको उपलब्ध कर दिया जाए कि जिसके में वो रहते हुए अपने आप को सामान्य रूप से कुछ सीखने की स्थिति में जा सके और उसका उपयोग करते हुए अपने बहुत से कार्य को करने में सक्षम हो सके अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस मतलब उसकी जो दिक्कतें आ रही हैं अगर जो भी बालक में है चूँकि डिसेबिलिटी से तो ग्रसित है तो उसको कौन कौन सी समस्याएँ आ रही हैं उसको जल्द से जल्द पहचाना जाए उसकी खोज की जाए उसकी समस्या के आधार पर उसके समाधान का प्रयास किया जाए उतना ही समय ज़्यादा हमको मिलेगा उसकी समस्या समाधान के लिए उसके प्रोग्राम प्लानिंग के लिए तो ये बहुत जरूरी होता है ट्रीटमेंट ऑफ को मार्बिट कंडीशन मतलब जो भी उसमें समस्याएं हैं उसकी स्थिति के अनुसार उसका इलाज किया जाए रोजमर्रा की चीज़ों में जो प्रभावित कर रही हैं जो स्थितियाँ उसमें बदलाव करने का प्रयास किया जाए प्रिवेंसन एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकोशोशल डिसऑर्डर उसके जो मनोसामाजिक समस्याएँ हैं उस पर बचाव किया जाए और जो भी उसकी समस्याएं आ रही हैं उसकी रूटीन क्रियाओं में रोज़मर्रा की क्रियाओं में उसमें उसके संबंधित बदलाव करने की जो आवश्यकता महसूस हो तो उसको बदलाव भी किए जाएँ तो टर्सरी स्टेज में हम देखते हैं कि बच्चा डिसेबल्ड हो चुका है अब इसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है तो इसमें हमें जो चार पॉइंट हमने देखा कि इन इन चीज़ों को करने की ज़रूरत होती है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जिससे वो अपनी लाइफ को सामान्य रूप से सर्वाइव कर सकें इसके मैनेजमेंट के लिए क्या उपयोग करना चाहिए बेसिक रूप से अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम शीघ्र जो है हस्तक्षेप के लिए व्यवस्था बनाई जानी चाहिए क्योंकि जितने जल्दी भी समस्या का पता लगेगा उसके समाधान के लिए ज़्यादा समय मिलेगा और वो समस्या उतनी प्रगाढ़ रूप में नहीं आए विद्यमान हो पाएगी उसके पहले ही उसका समाधान हो जाएगा स्पेशल एजुकेशन सर्विस चूँकि ऐसे बच्चे जो हैं सामान्य फील्ड में या सामान्य तरीके से ट्रीट करने से उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता इसके लिए व्यवस्था जो है इनके लिए उनकी समस्या के आधार पर उनका व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम उनके लिए बनाए जाएँ फैमिली सपोर्ट सर्विसेज की व्यवस्था की जाए मतलब पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग की जाए उनको ट्रेनिंग दी जाए होम विजिटेशन मतलब घर पे उनकी विजिट वगैरह होनी चाहिए सोशल सर्विसेज समाज के जो सपोर्ट हैं वो भी उनको मिलनी चाहिए फार्माकोथेरेपी मतलब उसको प्रॉपरली वो ट्रीटमेंट उन दवाओं के बारे में अवेयर कराया जाए जो जिस कारण से जो है डिसेबिलिटी या स्थितियाँ प्रभावित हो सकती हैं उन चीज़ों से बचा जाए और सही सही मेडिसिन का उपयोग करने के सही सजेशन दिए जाएँ उसके बारे में अवेयर किया जाए हेल्थ हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग हीरिंग एंड विजन मतलब उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं सुनने की देखने की न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रॉपरली डाइट के लिए उनका मार्गदर्शन किया जाए गाइडेंस दिया जाए कि कितनी मात्रा में किन चीज़ों को खाना चाहिए उपयोग करना चाहिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी सहायक जो है टूल्स वगैरह के लिए उपयोग करने की स्थिति उसमें इंक्लूड टेप रिकॉर्डर टेक्स्ट रीडिंग स्कैनर और वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम इत्यादि की जो व्यवस्थाएँ विद्यमान है, हैं उन चीज़ों का उपयोग करने में बच्चों को सक्षम बनाने का प्रयास करना चाहिए मेडिकल डायग्नोसिस सर्विसेज चिकित्सीय जांच की व्यवस्था जो है प्रॉपरली होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर असिस्टिव टेक्नोलॉजी मतलब उसके आवागमन की व्यवस्थाएँ सामान्य रूप से बौद्धिक अक्षम बालकों के दृष्टिकोण से होनी चाहिए और उनके लिए जो सहायक यंत्र हैं वो उनके लिए अनुकूलित होने चाहिए उनके लिए उपयोगी बनाए जाने चाहिए अब इनमें बेसिक रूप से हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है तो फॉर द चिल्ड्रेन विद इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटीज प्राइमरी केयर हैज अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट अगर इनकी बातें करें तो हमें विशेष कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है कि प्रोविजन्स आप सेम प्राइमरी केयर रिसीव्ड बाय ऑल अदर चिल्ड्रन ऑफ सिमिलर क्रोनोलॉजिकल एज मतलब उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि जो उनके समकक्ष के और बच्चों को जो व्यवस्थाएं सारी मिल रही हैं वो इन बच्चों को भी दिया जाना चाहिए ऐसा नहीं कि ये बच्चे डिसेबल्ड हैं बौद्धिक कक्षम है तो इनके लिए अलग व्यवस्था मुख्य धारा वाले बच्चों की अपेक्षा जो है इनको वंचित कर दिया जाए उनको उन मुख्य धारा वाली व्यवस्थाएं इनको ना दी जाए तो ये व्यवस्था उन बच्चों को भी मिलनी चाहिए उतना ही अधिकार उन बच्चों का भी है जो एक सामान्य बच्चों का है एंटीसिपेटरी गाइडेंस अब इसके लिए आवश्यक है कि जो भी बच्चों को जो है पहले से ऐसे लोगों को प्रॉपरली जो है गाइडेंस दिया जाना चाहिए मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए कि उनको इन इस टाइप के बच्चों को क्या करने की ज़रूरत होती है जैसे फीडिंग टॉयलेटिंग स्कूल एक्सीडेंट प्रिवेंशन सेक्सुअलिटी एजुकेशन तो इत्यादि प्रकार की चीज़ों को प्रॉपरली गाइड किया जाना चाहिए कि जो है इनको किस प्रकार से फीडिंग कराई जाए टॉयलेटिंग की ट्रेनिंग कैसी हो स्कूल वगैरह में ये कैसे रह सकते हैं एक्सीडेंट से कैसे बचाव किया जाए लैंगिक शिक्षा जो है इनको प्रॉपरली दिया जाना चाहिए क्योंकि इनका मिसयूज़ बहुत हो सकता है तो इसके लिए जरूरी है कि इन तमाम चीज़ों को पहले से ही उनको गाइड करने की तैयारी कर देनी चाहिए प्रॉपर इनका गाइड मिलना चाहिए दिया जाना चाहिए असेसमेंट ऑफ इनका आकलन जो है इस टाइप के बच्चों का प्रॉपरली आकलन बहुत ज़रूरी है कि इनको अगर सही से इनका आकलन हो जाएगा तो उसके आधार पर उसके उसके जो समाधान है वो उनमें सहायता मिलेगी तो जैसे ये देखने की क्या ज़रूरत होती है एग्जामिन एग्जामिनेशन ऑफ द टी थी चिल्ड्रेन हु एग्जिबिट ब्रग्ज्यूम अब बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि अगर दांतों को किटकिटाना ये तमाम प्रकार की ऐसे समस्याएं होती हैं मिसबिहेव करते रहते हैं थाइरॉयड फंक्सन इन चिल्ड्रेन बिथ डाउन सिंड्रोम में जो थायरॉयड की था प्रॉब्लम होती है जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं इनमें ये तमाम प्रकार की समस्याएँ होती हैं कार्डियक फंक्शन इन विलियम सिंड्रोम विलियम सिंड्रोम में जो है उनके हार्ट की स्थिति प्रभावित होती है तो तमाम क्रियाओं का जो है प्रॉपरली असेसमेंट किया जाना चाहिए और इस करने से जो है बच्चा जो है उसकी समस्याओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है अब इसमें जैसे हमने देखा कि बौद्धिक अक्षमता को के कारणों को और उसके बचाव के लिए हमने साविस्तार से चर्चा किया तो जिसमें हमने जाना कि जो है कि बौद्धिक कक्षमता से कैसे बचा जा सकता है और कौन कौन से उपाय हैं तो इसको अगर हम समराइज रूप से देखें सिंपल सा तो अगर हम बौद्धिक अक्षमता को कहते हैं कि जैसे बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी अक्षमता है जिसमें उसकी बौद्धिक क्रियाएं और अनुकूलन व्यवहार प्रभावित होता है यह विकलांगता जो है अठारह साल के पहले परिलक्षित होती है और इसमें जो है इन बच्चों का आई क्यू लेवल सत्तर से कम होता है और इसके जो कारण हो सकते हैं कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसमें हमने सबिस्तार देखा कि इसके कारणों को हमने तीन ग्रुप में कैटेगराइज करके देखा कि जन्म के पहले जन्म के समय और जन्म के बाद अब उसमें जन्म के पहले की जो स्थितियाँ थी सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर कारण निकल के आते हैं वो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर है उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो ये तमाम एरियाओं के कारण जो है बच्चा डिसेबल्ड हो सकता है जन्म के समय भी बहुत से कारण हैं जन्म के बाद के भी जो बहुत से कारण हैं उनसे बचा जाना चाहिए और उसमें उसके जो प्रिवेंशन की बात कही गई कि इनको बचा कैसे जाए तो उस जो बचाव को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड करके देखा कि एक तो कि जिस जिस कारण से हो रहा है उस स्थिति को ही फॉर्म ना होने दिया जाए ऐसी व्यवस्था दे दी जाए कि बच्चा डिसेबल्ड हो ही ना सेकेंडरी में हमने देखा है कि बच्चा अगर डिसेबलिटी की पॉसिबिलिटी दिख रही है तो उसको शुरू में ही ऐसे ट्रीटमेंट कर दिया जाए ऐसी व्यवस्था दे दी जाए कि जो है बुकलांग होने की स्थिति में ना जाने पाए और तीसरी जो टर्सरी स्टेज थी उसमें यह करने की जरूरत होती है कि बच्चा जो है बौद्धिक अक्षम तो हो गया है अब इससे उसको क्या व्यवस्था दे दी जाए कौन ट्रीटमेंट या उसका कौन से सर्विस या रिसोर्सेज उपलब्ध करा दिए जाएँ जिसका प्रयोग करते हुए अपनी लाइफ को सामान्य रूप से सर्वाइव करने में सक्षम हो सके तो इसको हमने सब विस्तार जाना आप लोगों ने ध्यान से देखा इसके लिए बहुत बहुत आभार